हेलो दोस्तों, अभी का समय 160 सीसी की कैटेगरी में दो बाइक इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर पर है। एक है बजाज की नई आने वाली बाइक बजाज पल्सर N160 और दूसरी है उसकी कंपटीटर बाइक TVS Apache RTR 164 भी। लोग इन दोनों बाइक के बारे में बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं और लोग बहुत कंफ्यूज भी है कि इन दोनों बाइक में से लोगों को कौन सा बाइक लेना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम दोनों बाइक को कंपेयर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आपको इन दोनों बाइक में से कौन सा बाइक लेना चाहिए और आपके लिए कौन सा बाइक बेस्ट बन सकता है। तो चलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और उम्मीद है कि आखिर तक आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा बाइक बेस्ट है और कौन सा बाइक आपके लिए बेस्ट वैल्यू पर मनी बाइक साबित हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोनों बाइक के इंजन के बारे में। तो पहले बात करें पल्सर N160 की, तो इसमें आपको मिलते हैं 165 सीसी के इंजन। यहाँ पर आपको इंजन पर 2 वाल्व देखने को मिलते हैं। वहीं पर TVS Apache RTR 164 भी में आपको मिलते हैं 159.7 सीसी के इंजन। यहाँ पर आपको 4 वाल्व देखने को मिलते हैं। दोनों ही इंजन आपकी वाइल्ड कूल के साथ आता है। अगर इन दोनों इंजन की पावर आउटपुट की बात करें तो पल्सर में आपको मिलते हैं 16 bhp की पावर, वही RTR 164 भी में आपको मिलते हैं लगभग 18 bhp की पावर। दोनों ही बाइक में आपको टॉर्क सेम मिलते हैं। दोनों ही बाइक में आपको 14.7 न्यूटन मीटर की टॉर्क देखने को मिलते हैं। अगर दोनों बाइक की टॉप स्पीड की बात करें तो N160 की टॉप स्पीड है आपकी लगभग 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के आसपास, वहीं पर RTR 164 भी की टॉप स्पीड है लगभग 130 किलोमीटर पर आवर की आसपास। तो यहाँ पर पावर आउटपुट और इंजन में आपकी बड़ा हो जाता है TVS Apache RTR 164 भी। हालांकि RTR की सीसी की वाइज 5 सीसी कम है, लेकिन पावर Apache RTR 164 भी ज्यादा प्रोड्यूस करता है और टॉप स्पीड और इनिशियल पिकअप भी इस बाइक का आपको ज्यादा मिलता है। अब बात करते हैं माइलेज के बारे में। तो यहाँ पर पल्सर N160 में 2 वाल्व होने के बावजूद इस बाइक में आपको थोड़ा सा माइलेज ज्यादा मिलते हैं। यहाँ पर N160 में आपको मिलते हैं लगभग 40 kmpl की माइलेज, वहीं पर 164 में आपको मिलेगी लगभग 35 से लेकर 37 kmpl की माइलेज। अब बात कर लेते हैं दोनों बाइक की डायनामिक के बारे में। तो दोनों बाइक की डायनामिक में भी कुछ कुछ जगह पर आपको फर्क देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं वेट के बारे में। तो N160 का वेट है 154 kg, वहीं पर 164 का वेट है 147 kg। आपकी TVS पल्सर से 7 किलो हल्का है। वही बात करें व्हील बेस की, तो व्हील बेस पर कोई फर्क ज्यादा नहीं है। N160 का व्हील बेस है 1358 mm, वहीं पर 164 का व्हील बेस है 1357 mm, 1 mm का डिफरेंस है। अगर बात करें दोनों बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस की, तो यहाँ पर अच्छा खासा डिफरेंस है। N160 का ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm, वहीं पर 164 का ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm। यहाँ पर आपको 15 mm ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलते हैं। ये TVS Apache RTR के लिए बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है। बात करें दोनों बाइक के सीट हाइट की, तो यहाँ पर आपको 5 mm के डिफरेंस देखने को मिलते हैं। N160 का सीट हाइट है 795 mm, वहीं पर 164 का सीट हाइट है 800 mm। बात करें सीट डिजाइन की, तो N160 में आपको स्प्लिट सीट मिलते हैं, वहीं पर 164 में आपको सिंगल सीट देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दोनों बाइक के राइडिंग पोजीशन लगभग सेम है। दोनों ही बाइक एक नेकेड स्पोर्ट्स कैटेगरी के बाइक है और दोनों बाइक के राइडिंग पोजीशन में बहुत खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं दोनों बाइक के ब्रेक्स के बारे में। तो पल्सर N160 के फ्रंट में आपको मिलते हैं 300 mm के डिस्क और 164 के फ्रंट में आपको मिलते हैं 270 mm के डिस्क। यहाँ पर 164 में 30 mm कम मिलते हैं। वहीं पर अगर रियर ब्रेक की बात करें तो N160 का रियर ब्रेक है 230 mm, वही 164 का रियर ब्रेक है 270 mm। यहाँ पर रियर ब्रेक में 164 भी 40 mm ज्यादा है, लेकिन आपकी N160 डुअल जनरेल के साथ आता है, इस वजह से इस बाइक में आपको ज्यादा सेफ्टी देखने को मिलते हैं। लेकिन 164 में आपको डुअल चैनल की कोई भी वेरिएंट देखने को नहीं मिलते। अब बात करते हैं दोनों बाइक के फीचर्स के बारे में। तो फीचर्स वाइज आपकी Apache RTR 164 भी पल्सर N160 से बहुत ज्यादा आगे निकल जाती है। पल्सर N160 में आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलते हैं और इस बाइक में कुछ खास फीचर्स देखने को नहीं मिलते। वहीं पर अगर बात करें Apache RTR 164 की, तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ढेर सारा फीचर्स देखने को मिलते हैं। इस बाइक में आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलते हैं, जहां पर आपको सारे ही इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। इसके अलावा इस बाइक में कुछ कुछ वेरिएंट में आपको राइडिंग मोड भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस बाइक में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलते हैं, TVS मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी मिलते हैं और यहाँ पर आपकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर छोटा सा जगह पर टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं दोनों बाइक के सेम फीचर्स की। तो दोनों ही बाइकों के फ्रंट में मिलते हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, वहीं रियर पर मिलते हैं मोनोशॉक एडजस्टेबल सस्पेंशन।
दोनों ही बाइक के फ्रंट और रेयर में एलईडी हेडलाइट, एलईडी टेल लाइट विद एलईडी डीआरएल देखने को मिलते हैं, लेकिन दोनों बाइक की हेडलाइट की डिजाइन अलग है। यहाँ पर आपकी पल्सर N160 की हेडलाइट की डिजाइन कुछ हद तक MT-15 से मिलती है, लेकिन N160 के डिजाइन आपकी थोड़ा सा हैवी हो जाता है। वहीं पर 164 भी का डिजाइन बिल्कुल अलग है। दोनों ही बाइक में आपको फीचर्स के तौर पर साइड स्टैंड इंजन कटअप स्विच भी देखने को मिल जाता है। प्राइस की बात करें तो आपकी पल्सर N160 की प्राइस ऑन रोड 1,45,000 से लेकर 1,55,000 के आसपास जाता है। वहीं पर RTR 164 भी का प्राइस 1,25,000 से लेकर 1,50,000 रुपए तक जाता है। और इस बाइक में आपको एक स्पेशल एडिशन भी देखने को मिलते हैं और स्पेशल एडिशन का प्राइस है लगभग 1,54,000 के आसपास। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो की आखिरी की तरफ और हम देखने वाले हैं कि कंक्लूजन में आपको कौन सा बाइक लेना चाहिए इन दोनों बाइक में से। देखिए, अगर आपको अच्छा खासा पावर चाहिए और बहुत सारे फीचर्स चाहिए तो आप डेफिनेटली चूज करते हैं TVS Apache RTR 164B को। लेकिन अगर आपको कुछ नया टेस्ट चाहिए, कुछ नया हटकर चाहिए, तो आप बिल्कुल चूज कर सकते हैं बजाज पल्सर N160 में। ये यहाँ पर आपको एक बिल्कुल नया बाइक देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आपके पास बजट का भी इशू है तब भी आप TVS Apache RTR की लो वाले वेरिएंट चूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके लो वाले वेरिएंट की प्राइस पल्सर N160 से लगभग 20,000 रुपए सस्ता हो जाता है। यहाँ पर आपकी दोनों ही बाइक अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हमारे हिसाब से बहुत बताए तो हमें लगता है कि आपकी TVS Apache RTR 164 भी बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक है। यहाँ पर आपकी बेस वाले वेरिएंट की प्राइस कम पैसा 20,000 रुपए कम से ही शुरू हो जाता है। तो अगर आपको 2-3 किलोमीटर की माइलेज से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है तो आप बिल्कुल चूज कीजिए TVS Apache RTR 164 भी। और अगर आपको कुछ नया चाहिए और थोड़ा बहुत ज्यादा माइलेज चाहिए तो आप चूज कर सकते हैं बजाज पल्सर N160 को। तो ये था हमारे कंपैरिजन वीडियो। उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको समझ में आ गया है कि आपको कौन सा बाइक लेना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कमेंट में कि आपको वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना पसंद करेंगे। तो अभी के लिए यही तक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर किसी नए टॉपिक के साथ।